स्टूडेंट, मैं भी उपाध्याय विजुअल फेड कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं जो अकाउंट्स यानी टैली में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अकाउंट सेक्शन में। जो मैं बता रहा हूँ कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है। आज जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कई तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक प्रोप्राइटरशिप होता है, एक कंपनी अकाउंट होता है, एक पार्टनरशिप। तो आज हम बात करते हैं पार्टनरशिप के अकाउंट के बारे में। पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है, एक व्यापार में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं और किस सेक्शन के तहत ये पार्टनरशिप लगाया गया, किस सेक्शन में लागू किया गया, तो और इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है, मैनुअल जनरल एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपके सामने है डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप क्या होता है, ए पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ द टू आर मोर पर्सन हु कैरी ऑन द एस को ओनर्स एंड शेयर प्रॉफिट। देयर कैन बी द ए कंट्रीब्यूशन ऑफ द मनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस प्रोजेक्ट आर सर्विसेज इन द रिटर्न फॉर ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो आई स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है जो सह मालिकों के रूप में काम करते हैं और लाभ साझा करते हैं। मुनाफे के एक हिस्से के बदले में धन व्यापार परियोजना में पूंजी निवेश या सेवाओं का योगदान कर सकता है, जिसे हम पार्टनरशिप अकाउंट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने है, एक व्यापार में कितने पार्टनर्स की जा सकती है, नहीं, एक व्यापार में 50 मेंबर हो सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बी प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए फर्म टू बी 50 वाइड वैल्यू 10 ऑफ द कंपनीज। द मिसलिनियस रूल्स 2014 थर्स इन इफेक्ट इन द पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स, यानी एक व्यापार में 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आई स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन हिंदी में देखें, केंद्र सरकार ने कंपनी विधि नियम 2014 के नियम 10 के 10 वीडियो होने के लिए एक फर्म में अधिकतम भागीदारियों को निर्धारित किया गया है। इस प्रकार का एक साझेदारी फर्म में 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। आयुष्मान यानी किस एक्ट के अंतर्गत आता है ये, एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन सिस्टर्स ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस द पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग टर्म्स। द पार्टनरशिप ही इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर एंड द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन ऑल बाई एनी ऑफ द देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आई स्टूडेंट, इसका डिफिनेशन हिंदी में देखें, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन ऑफ इंडियन साझेदारी अधिनियम 1932 निम्नलिखित शर्तों में भागीदारी को परिभाषित करता है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जो साझा करने के लिए सहमत हुए हैं और एक व्यवसाय के मुनाफे को सभी या उनमें से किसी एक ने सभी के लिए निभाया गया है, जिसे हम ये सेक्शन धारा 1932 के तहत इसको लागू किया गया है। तो आई स्टूडेंट, अब जाने कि इस पार्टनरशिप की जनरल एंट्री कैसे की जाती है, इसका क्या क्वेश्चन होता है, इसका एग्जांपल देखा जाए। तो आपके सामने है एग्जांपल एक्सरसाइज, एंड विजुअल इफेक्ट इज ए पार्टनरशिप फॉर्म विच हैज़ 3 पार्टनर, राम कैपिटल 22%, श्याम कैपिटल 21%, सुनील कैपिटल 22%। ड्यू टू रिड्यूस ए न्यू पार्टनर्स अमित कैपिटल 33%, बट द कैपिटल वॉज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स वेयर इन कैश 21%, बैंक 23%, गुड्स 14%, फर्नीचर 12%, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल कंप्यूटर एंड द टोटल कैपिटल वैल्यू 6,45,000। यानी विजुअल इफेक्ट एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं। पहला पार्टनर राम है जो 24% कैपिटल लगाया है, दूसरा पार्टनर श्याम है जो 21% कैपिटल लगाया है, तीसरा पार्टनर सुनील है जो 22% लगाया है। कैपिटल कम होने के कारण एक नए पार्टनर को लाया गया अमित, जिसने 33% शेष कैपिटल लगाया है। एंड कैपिटल को अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट किया गया है, कैश में इन्वेस्ट किया गया है 21% है, बैंक में 23%, गुड्स है 14%,
फर्नीचर है 12% और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल यानी जो शेष पैसा है वो कंप्यूटर में इन्वेस्ट किया गया। टोटल कैपिटल की वैल्यू है 6,45,000 रुपये है। तो भाई स्टूडेंट इसकी जनरल एंट्री मैनुअल कैसे करना है, तो आपके सामने पहले इसका कैलकुलेशन है। सभी पार्टनर्स का कैपिटल को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, 6,24,000 ये निकाल दिया हुआ है। जैसे पहला पार्टनर जो राम का 24% है, इसकी वैल्यूएशन ऐसे निकाला गया है, 6,54,800 इनका इन्होंने लगाया है। श्याम ने लगाया है 21%, 1,35,450, और सुनील लगाया है 1,40,900 जो 22% लगाया है, और 33% अमित ने लगाया है जो 2,12,850 इन्होंने लगाया हुआ है। तो आइए किस फील्ड में कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ कितना परसेंट। तो अगला है बैंक में इन्वेस्ट किया यानी कैश जो इन्वेस्टमेंट आपका है 1,33,450 है, बैंक में 23% है 1,48,350 है, गुड्स 14% है 90,300, फर्नीचर है 12% है 77,400, और कंप्यूटर में 30% इन्वेस्ट किया गया है 1,93,500 रुपया। ये इसका कैलकुलेशन का फॉर्मेट है। तो आइए स्टूडेंट इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। तो जनरल एंट्री आपके स्क्रीन पर कैश अकाउंट डेबिट जितना कैश में था वो दिखा दिया गया यहाँ पे, कैश बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कंप्यूटर अकाउंट जो जो कंप्यूटर ये लगाया जैसे ये देखिए जो जो कंप्यूटर यानी जो कैलकुलेशन कैश गुड्स फर्नीचर का है ये वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये कैश गुड्स कंप्यूटर का वैल्यू है। और जो पार्टनर से इन्वेस्टमेंट किया हुआ यानी ये वाला ऊपर वाला पार्टनर्स जो राम श्याम सुनील कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया है उनकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है। यानी टोटल वैल्यू जोड़ने पर डेबिट साइड का भी 6,45,000 आना चाहिए और क्रेडिट साइड का भी 6,45,000 आना चाहिए। नीचे इसका नेशन लिख दिया गया है, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 21%, बैंक 23%, गुड्स 14%, फर्नीचर 12%, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल कंप्यूटर एंड विच हैज थ्री पार्टनर्स राम 24%, श्याम 21%, सुनील 22% ड्यू टू रिड्यूस ए न्यू पार्टनर्स एंड अमित कैपिटल 33%। ये था इसकी जनरल एंट्री मैनुअल पार्टनरशिप का। कि पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है और पार्टनरशिप का डिफिनेशन देखा, उसके मेंबर्स देखे और इसकी मैनुअल एंट्री कैसे की जाती है। तो हर वीडियो आपके बिजनेस या जॉब वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों को भी शेयर कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।